गुड मॉर्निंग जी, राम राम सभी भाइयों को। आप सभी का स्वागत है नए व्लॉग में। और आज शनिवार भाई, आज रेस्ट है फुल और तैयारी है भाई जाने की टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट है आज का निवाई टोंक राजस्थान में। 21,000 जिसका फर्स्ट प्राइज है, 11,000 सेकंड प्राइज है। ओपन टूर्नामेंट है और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है। सभी अच्छे सेट इस टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं। तो भाई आज तैयारी है भाई जाने की। एक महीने बाद टूर्नामेंट खेलेंगे। बगौला में टूर्नामेंट खेला था लास्ट टाइम, उसके बाद महेंद्रगढ़ भी गए थे, परंतु वहाँ पे मैच अच्छे नहीं लग पाए थे। तो बाकी आज जा रहे हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए। बाकी अभी तो मॉर्निंग वॉक पे आ गया था मैं खेतों पर, अभी निकलूँगा ग्राउंड पर जाऊँगा, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद निकलना फिर खेलने के लिए। तो इस व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखें आप, बहुत ही एंजॉय होने वाला है। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, टीम के साथ, प्लेयरों के साथ जो भी बातें होंगी एंजॉय होगा। इंटरव्यू वीडियो भी आएंगे चैनल पे, वो भी देखें, एंजॉय करें, सभी ब्लॉग देखें। 8 बजे शाम को ब्लॉग डाले जाते हैं डेली, तो 4-5 ब्लॉग आने वाले हैं टूर्नामेंट के, बढ़िया ब्लॉग होने वाले हैं, वो सभी आप देखें और चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी हमारे अंकल जी भी आए हुए मॉर्निंग वॉक पे, पुराने खिलाड़ी हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, और इन्हीं सभी सीनियर खिलाड़ियों से हमने सीखा है और कुछ अच्छा कर पा रहे, अपने गांव के नाम रोशन कर पा रहे हैं। तो मिलाते हैं अंकल जी से, चलिए मिलते हैं फिर। ये हमारे चाचा जी हैं, पुराने प्लेयर हैं शूटिंग वॉलीबॉल के, और देखो अभी भी काफी एज हो चुकी है और एक्सरसाइज करते हैं डेली, प्रैक्टिस भी करते हैं ग्राउंड में और अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। रुक जाओ, बात करनी है थोड़ी, रुको। तो हमारे अंकल जी हैं, अंकल जी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। अंकल जी, आपको किस समय में मतलब खेलते थे, मतलब जो टूर्नामेंट खेलने जाते थे, बातें और भी भगोला, मतलब प्योर शूटिंग जो खेलते थे, अपनी इंडिया की टीम थी, लेपरे के ले जा रहे। पीछे 75 में हमने शुरू कर दिया था ओपन टूर्नामेंट खेलना। हाँ। लेकिन वैसे तो खेलते थे हम, 70 से खेलने शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा, 1970 से ही 8वीं में खेलते थे। हाँ। 8वीं में खेले थे, मतलब प्योर शूटिंग चलते दो और मारो, बॉल मारो और अंडर हैंड उठाओ। वो गर्म पड़ा वाला बॉल नहीं था, वो अब चल रहा है इस टाइम, यह पकड़ रहा है। और कहते हैं कौन कौन सी मतलब अच्छी टीमें थी आपके समय में, जो मतलब बढ़िया मैच होते थे कंपटीशन के आपस में? हाँ जी, एक राजस्थान से टीम थी, बहुत बढ़िया टीम थी। क्या कह करें, उपाध्याय थे उनके अध्यक्ष, जो उपाध्याय जो बहुत बढ़िया प्लेयर था, सोनीपत का था एक कुक्की, और संजय थे, और दिल्ली की टाइगर क्लब थी, और काफी थी, मेडिकल की थी एम्स की, बहुत बढ़िया टीम थी एम्स की भी, और एक गुडियर की टीम आती थी हमारे यहाँ फरीदाबाद से, जो उन्होंने कंपनी वालों ने स्पेशल लगा रखा था उन्होंने खेलने के लिए, फिर वो आईसर में क्या कहे शिफ्ट हो गए, आईसर में बढ़िया टीम बन गई, तो उनसे हमारा बढ़िया मुकाबला चलता था और हम कई बार जीते हैं उनसे टूर्नामेंट। हमारे जो बड़े भाई साहब थे, क्या कहे रोडवेज में एक बार जो बाता गांव में टूर्नामेंट हुआ, तो वहां पे दो महीना उन्होंने स्पेशल क्या कहे छुट्टी ली और प्रैक्टिस करने के लिए, जो मतलब जिससे कि हम किसी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन दिखा सके, प्रदर्शन कर सके और अपने गांव का नाम रोशन कर सके, विजेता बन। और अब हमारे बच्चे भी उसी लाइन पे लग रहे हैं, हमारे गांव के बच्चे भी और हमारे जो परिवार के बच्चे हैं वो उसी लाइन पे लग रहे हैं, और बढ़िया गांव का नाम रोशन है, वो कोई ना कोई पोजीशन लाते हैं, और पोजीशन भी नहीं तो मतलब अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, जो युवा प्लेयर हैं जो इस गेम से जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे क्या कहना आपका मतलब? मैं तो यही कहूंगा भाई, कम से कम क्या कहेगा, अगर जीत के ना लाओ तो कम से कम व्यायाम हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो आप वायाती की जो बातों से बचोगे आप कम से कम, और टाइम पास हो जाएगा सही अपना, बाहर से जो मान लो घर की कोई टेंशन है तो वहाँ थोड़ी बहुत देर जब प्लेयरों में आपस में बातचीत होंगी तो उससे आपका क्या कहे करें वो बढ़िया वो होगा। बिल्कुल जी, और इससे प्रेम भावना भी बढ़ती है नहीं जी? जी हाँ, प्रेम भावना बढ़ती है, बच्चे को साहस का वो होता है इसमें। और अच्छा, मेरा एक ये कहना है जी, मेरी सोच है जो पुराने प्लेयर हैं हमारे जैसे आप हो और भी जो
बच्चे खेल रहे हैं उनके जो सीनियर प्लेयर हैं उनका अभी भी सम्मान करना चाहिए, मतलब टूर्नामेंट होते हैं जैसे, तो उन्हें हमें भुलाना नहीं चाहिए, ये मेरा सोच है। तो आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही सोच है, क्योंकि उससे ये लगेगा, क्योंकि जो युवा प्लेयर अब खेल रहे हैं वो भी कभी बुजुर्ग होंगे तो उनका भी फिर ये मान सम्मान होगा, तो आगे भी उनमें उत्साह बढ़ेगा और नई युवा पीढ़ी में भी उत्साह बढ़ेगा उससे। तो भाई हमने जो हमारी इंडिया की टीम है, सभी प्लेयर जो युवा प्लेयर है जो खेल रहे हैं अभी, बहुत कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, गांव का नाम रोशन कर पा रहे हैं, उसके पीछे हमारे सीनियर प्लेयरों का, हमारे अंकल जी का और सभी गांव के जो सीनियर प्लेयर थे उनका सभी का बहुत ही सहयोग है और उनका आशीर्वाद है जो हम अच्छा कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का, ओम प्रकाश से हमारे अंकल जी है परिवार। ओके थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत बढ़िया भाई, लगन से खेलो सब बढ़िया और प्रेम से खेलो, इससे अपना आगे तुम्हें भविष्य में भी साहस हिम्मत बनती है, इससे धैर्य बना रहता है और भाई प्रैक्टिस होती है फर्स्ट क्लास। अच्छा टूर्नामेंट वालों से क्या कहना है आपका, जैसे टूर्नामेंट कराते तो उसमें क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, मतलब कुछ गलत प्लेयर हो? बढ़िया सुविधा दे रहे हैं अब तो लोग, बच्चे मतलब जो टूर्नामेंट करवा रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन कोई कोई हमारे यहाँ जैसे सोना से इधर साइड में वो अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए पर्ची वगैरह नहीं डालते, तो ये सिस्टम बहुत गलत है भाई, जो खेलेगा वो जीतेगा, तो ये है पर्ची वगैरह डाल कर हाँ फेवर करवाना चाहिए भाई। हम जो मान लो हम इंडिया में टूर्नामेंट करवा रहे तो वो पैसा तो हमारा ही है, गांव का ही है, हम अपने बच्चों को ही दे दें तो इससे अच्छा नहीं लगेगा। सब प्लेयर हैं जो जो बाहर से आई हुई टीम है, जो जीते उसे देना चाहिए, बिल्कुल पेवर वो टीम वो होना चाहिए टूर्नामेंट, जो कोई न्यो ना कहे कि भाई बिल्कुल इसमें कोई थोड़ी बहुत एरा फेरी है वो हुई, बिल्कुल बिल्कुल फेयर होना चाहिए। हाँ। बहुत ही अच्छी बात कही अंकल जी ने। इंडरी ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है और आ गए हैं भाई प्रैक्टिस करने के लिए, और बच्चों को पकड़ के लेकर आया हूँ भाई, प्रैक्टिस करनी है ना, तो चार पांच जूनियर बच्चे आ रहे हैं इंडरी टीम के, उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, अभी बॉल मंगाइए। बाकी ग्राउंड एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, देख रहे हो ग्राउंड बढ़िया, लाइट की व्यवस्था और जाली चारों तरफ लगा रखी है भाई, प्लेन ग्राउंड है एकदम। और ये देखो बॉल लेके आ गए हैं, एक मेरा लड़का है रक्षित, भतीजा कुणाल, एक भांजा है मेरा, ये तीन प्लेयर आए। और भी आ रहा है कोई? ए? कोई ना आ रहा, तुम ही बहुत हो, हरा दोगे फिर, लगा रहे मैच? ए? अच्छे जी, वो ना हरा पाओगे तुम सही में। तो गाइज आप सभी का मुंबई हाईवे पे स्वागत है और मेरे साथ है अभी टीम मंचल नजफगढ़, सभी प्लेयरों से मिलाऊंगा और अभी निकल लिए हैं भाई टूर्नामेंट में खेलने जाने, टूर्नामेंट में खेलने जाने के लिए निकल लिए हैं भाई। और हमारे इंडरी गांव से पड़ता है ये 255 किलोमीटर पड़ता है और लगभग 4 घंटे लग रहे हैं हमें यहाँ से पहुँचने में टूर्नामेंट में। बाकी सभी प्लेयर मेरे साथ हैं, इंजॉय कर रहे हैं, टी ब्रेक लिया है रास्ते में। बाकी आपको मिला देता हूँ सभी प्लेयरों से, टीम में सम्मिलित प्लेयर हुए हैं अंकित भालोट, अंकित भाई राम राम, राम, राम और सफर सही रहा अभी तक का है, और टूर्नामेंट कैसा होने की उम्मीद है आपको? वो तो वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। बाकी ठीक ही होते हैं राजस्थान में। और मेरे साथ है मंचल नजफगढ़ भाई राम राम, भाई भाई की टीम में सभी प्लेयर शामिल हुए हैं, स्टार प्लेयर है, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते ही होंगे आप सभी। और अनिल मान है भाई, भाई का स्वागत है,
पिक्की नजफगढ़ भाई और गोविंद भाई है, काफी दिनों बाद मिले, बहुत खुशी हुई भाई टीम में शामिल हुए हैं। और भाई अभिषेक भालौट से हैं, ये भी टीम में शामिल है। तो काफी अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है भाई, और जो टूर्नामेंट में मैच होंगे अच्छे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे चैनल पे ऑल इंडिया अंडर एंड वॉलीबॉल। बाकी इससे नेक्स्ट व्लॉग अच्छा होने वाला, हाँ फोटो खींचेंगे एक, यहाँ आओ ना फोटो खींचेंगे, तो काफ़ी अच्छा व्लॉग होने वाला। नेक्स्ट व्लॉग दो तीन आएंगे, वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। और रास्ते में जो ये मजाक करेंगे ना सारे प्लेयर, उन सभी का नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। नेक्स्ट व्लॉग भी देखें आप सभी, बहुत ही अच्छे व्लॉग होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, राम राम सभी भाइयों को, राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम।